Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Hello Anuragda. Hello sir. Hello Geeta Ma. Namaste, kaise hain aap? हाथ पीछे करो गमछा नीचे करिए फिर हम हाथ मिलाएंगे इतना गंदा डांस किया ना तुमने कैसे है चंद्र मैं बहुत अच्छा हूँ चलो मैं ही कर देती हूँ क्या है शो के टीआरपी के साथ ये भी अपग्रेड हो गए मुझे समझ में नहीं आता अच्छे कपड़े पहनने लग गए हैं जूते अच्छे हैं शर्ट अच्छा है पैंट अच्छा है बेल्ट भी अच्छा है शक्ल वही है लेकिन गमछा क्यों गमछा इनका मेन है बाकी ड्रेस तो मांग मांग लेता है अच्छा इसके दादा के मोतियाबिंद के ऑपरेशन से अंगूठी बनाए थे सर चाय की दुकान बंद क्यों करवाई आपने अब मैं पसंद नहीं थी आई डोंट लाइक चाय ओ आप बनाते हैं चाय वाय बनाते हैं आप आई लव ब्लैक कॉफी जस्ट इग्नोर हिम आप बनाते हो ब्लैक कॉफी मैं थोड़ी देर के बाद आ जाता हूं आप लगे रहो अरे आप आए थे क्या आइए वापस आइए चंदू ये तूने क्या हाल बनाया मतलब क्या कर रहा है मैंने अपना फिर वो चंदू चाय वाला काम शुरू कर दिया है अच्छा हां चंदू के साथ चाय पीने का ₹5 अपनी चाय लाइए चंदू चाय आणि कॉफी वाह आणि कॉफी आणि कॉफी म्हणजे काय आणि एक मिनिट मेरे को नजर नहीं आ रहा एक हां देख लो बराबर आप ही ने बनवाए पांच फटे दूध की चाय ओ नहीं सर वैसे चाय पी के फट जाती है या फटे दूध ये क्या है चंदू कोई ढंग का काम करता नया काम करता कोई तू सजेशन नहीं देते रहते आप कभी मैं ₹8 लाख मांगू देते मेरे को आप मैं दे तो दूं इसके पैसे मैंने लिए थे पर मुझे पता है ये ना देश का पैसा वेस्ट करेगा ये बंदा मैंने क्या 8 लाख के गोलगप्पे खा लेने इधर वेस्ट करूंगा मैं फिर वही बात है क्या वेस्ट चलो मैं मान लिया भाई वेस्ट भी कर लूंगा तो अपने देश का पैसा देश में वेस्ट करूंगा मैं तेरा क्या भरोसा तू अमरीका से रॉकेट मंगवा लिया तो रॉकेट पे मैंने मंगल ग्रह भी जाना है मैंने लेनी है तो पनडुब्बी लेनी है क्या लेनी है सबमरीन सबमरीन उसके फायदे पड़े हैं अनुराग दादा पहली बात तो बंदा गीला नहीं होता उसमें वाह दूसरी बात है कि अगर आपने कोई गहरी बात सोचनी है तो आप गहराई में जाकर सोच सकते हैं वाह वाह पॉइंट है अच्छा मैं इसके बारे में दो बातें कहना चाहूंगा कि या तो इसका दिमाग खराब है या फिर पहली वाली बात ठीक है शिल्पा जी मैं चाहता हूं कि आप अपने शुभ हाथों से मेरे नए वेंचर की ओपनिंग करें वेंचर इसकी तलाशी लो ये किसी की डिक्शनरी चोरी करके आया था तेरे को वेंचर कहां से पता चल गया बे वेंचर फालतू बकवास कर रहा है बड़े-बड़े लोग आए इधर पैर छू हाथ मिला रहा तू देखो बड़े लोग होंगे आपके लिए मेरे तो वो पड़ोसी हैं तेरे पड़ोसी कैसे हो गए बे देखो टाइम स्लॉट के हिसाब से ये 8 बजे आते हैं हम 9:30 बजे आते हैं तू 9:30 कहाँ आता है चैनल ने साफ मना किया है सोनी साहब ने खुद फोन किया मुझे अच्छा कहते इसकी एंट्री 10:30 के बाद कराया करो तब तक लोगों का मूड वूड बन जाता है कर लेते हैं बर्दाश्त निकल जाता है फ्लो फ्लो में देखो गीता मैं हीरो की एंट्री हमेशा लेट होती है ना ये इसको नहीं पता सबको पता लेट नाइट कौन से हीरो की एंट्री होती है देखो मुझे ऐसा वैसा ना समझो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा सोलो शो आ रहा है और सारी लाइनें भी उसने उसमें मैंने बोली हैं वो जो तूने किया है वो कमजोरी का ऐड करके बता पहले मैं काफी थका थका रहता था काम से वापस आते ही सो जाता था मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती थी करके बता ना जरा बता कैसे बोलते हो अच्छा पाजी मेरी बात सुनो चलो मैं तो ऐड करता रहा टीवी पे ये आधी रात को कमजोरी की ऐड क्यों देख रहे थे मुझे ये बताइए ये बंदा ये मेरा भाई ना ये जब हम लोग अपनी रिहर्सल वैसल करते ना ये दो लाइनें ना अपनी अलग से सोच के आता है फिर इधर आके ना मेरे को सरप्राइज देता है पर आज तेरे को वो सरप्राइज मिलने वाला है पाजी इन्होंने बैठ बिठा रहा हूँ बेवकूफ कभी सुमन और उसके अलावा कभी बैठा हुआ जो तेरी क्लासमेट थी कैसा फील हो रहा है तुझे अच्छे सोफे बैठ के हमेशा ये इंडियन स्टाइल में बैठता है वो जो नीचे बैठ के नहीं बैठते आज तुझे सोफा पे बैठ के कैसा लग रहा है अच्छा तो बता तो करने क्या आया था बताया नहीं था यार नहीं आपने उनका खराब कर दिया ना मोमेंट मुझे आशीर्वाद दीजिए गीता माँ हाँ आशीर्वाद तू चाय मांग अदरक मांग आशीर्वाद मांग रहा तू जो तेरा काम है वो मांग तू सी इट्स माय लाइफ माय ओन डिसीजंस मेरे
दिल में आएगा, मैं वही डिमांड करूंगा ना। डिमांड तेरा, तू तो परसों रिमांड पे लेके गए थे तुझे पुलिस वाले। वो पाजी वो जिद कर रहे थे, कहते चंदू जी चाय पीनी आप इधर आ जाइए, तो मैं चला गया। वो तो मेरे फैन थे, इतना प्यार करते थे पाजी, गहने लेकर आए थे मेरे लिए। गहने नहीं, वो हथकड़ी थी वो। देखो वो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली पाजी। मेरा तो स्टे भी उन्होंने आपको मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट में रखाया था विद अटैच बाथरूम। जेल होती हो? जेल तो वो नहीं होती जो बालों में लगाते हैं। सारे गेस्ट ने एक जैसे कपड़े पहने थे ना। वो जेल होता है यार। जेल। खैर गीता माँ। हाँ जी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरे को ब्रेक डांस का बड़ा शौक है। ओ। जी। हाँ, ब्रेक डांस मैं बताता हूँ आपको, लोग ऐसे ऐसे करते ना, ये ऐसे ऐसे करता है तो ब्रेक डांस। यार मेरी बात सुनो, आपने कोई अच्छी बात करने की नहीं करनी मेरे बारे में? अच्छा तेरी अच्छी बात करूं? हाँ कर दो। गेट आउट। मैंने कर दी अच्छी बात। देखो आपके चक्कर में मैं इनको चाय पिलाना भी भूल गया। दादा आपको पता है मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। क्या? मैं मूड देखकर पहचान जाता हूँ कि आपको कैसी चाय अच्छी लगेगी। अच्छा मेरा मूड क्या है जी? आपको ग्रीन टी अच्छी लगेगी। क्यों? दूध नहीं है ना आज। आपको ब्लैक टी और आपको शेड टी। ये शेड टी बोलने के लिए ना इसने दो एक्स्ट्रा चाय बनानी पड़ी तुझे। अभी फिर बताओ क्या अभी आगे क्या करना है बताओ। मैं तो आशीर्वाद लेने आया था गीता मैम से। हाँ जी बोलिए। मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करूं। सर आप साइज के हिसाब से मांग रहे हो, दिन दुगनी रात चौगनी, ये क्या बात होती है? तेरे को आशीर्वाद, तेरे को दुआएं देने को दिल करता कि जा जा खुश रह। नहीं नहीं जैसे भी रहे, हमें दिखाई मत दे। 10 मिनट के लिए इधर आता हूँ। वो भी आपको नहीं पचते, 10 मिनट का धंधा होता है इसके। 10 मिनट के चक्कर में ना हमारा 1.5 घंटे का धंधा बंद होगा किसी। यार मेरी बात सुनो। हाँ आपको पता है बुरे वक्त में ये चीजें काम नहीं आती, बुरे वक्त में अपने काम आते हैं। और जब तक ये चंदू जिंदा है तुम भूखे नहीं बैठोगे। लाइन इसने बहुत प्यारी बोली है, नाम ऊपर नीचे हो गए। फालतू बातें छोड़ो, ये चाय की दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? ओ मेरे पापा ने जोड़ के रखे थे मटके में, बस वो आज काम आ गए। मैंने सुना तू स्टाफ भी रखा तूने? रखा है बिल्कुल। चंदू सर देखा? चंदू सर पहली बार हुआ है मालिक से ज्यादा जो स्टाफ रखा है वो ज्यादा हैंडसम है। तुम्हें समझ आया? एक्सक्यूज मी ब्रिटिश? नहीं यार अमेरिकन हूँ। ओ हमें हमारे लिए सारे गोरे एक जैसे ही हमें। इसको सर सर क्यों बोल रहे हो आप? अरे इसने मुझे बोला कि इसका निकनेम चंदू सर है। चंदू सर है? इसका तो मेन नाम भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, बेवकूफ बनाया इसने आपको। अच्छा यू रैस्कल। कल नहीं आज। ओए तो मैं गाली दे रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दे ही रहा है कुछ ले थोड़ी रहा है। देखो मेरी बात सुनो, हमने पार्टनरशिप में काम खोला है। हार्डवेयर का काम इसने करना है, सॉफ्टवेयर का काम मैंने करना है। हार्ड नहीं, मैं बर्तन नहीं दूंगा। चाय बनाऊंगा। चाय यार तुम डायरेक्ट चाय कैसे बना लोगे, तुम तो बाहर से आए हो। रॉबर्ट ये तुम्हें उल्लू बना रहा है। हाँ इसने इसने नशे में मेरे फायदा उठाया। नशे? हाँ। Now we get the partner. मैं क्या बोलूँ वो, अरे वो कह रहे थे कि ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो, बड़े बड़े लोगों का ऑटोग्राफ नहीं देखा, मुझसे साइन करवा लिया। हाँ और 35,000 भी इन्वेस्ट करा दिया तूने। हाँ तो इन्वेस्ट हुआ तो प्रॉफिट भी तो होगा कि नहीं? अच्छा तो वो बिजनेस डूब गया? तो बिजनेस नहीं डूबेगा, बिजनेस में बिस्किट डूबेगा। ए बेवकूफ मत बनाओ, पैसे मेरे लगे। हाँ तो देखो
वो नाम कहाँ है मेरा? वो देखो लिखा चंदू चाय अनी कॉफी, वो अनी बीच में तुम्हारा नाम है अनी। ये गलत बोल रहा है, अनी मतलब मराठी में होता है और and. कि चाय और कॉफी एंड एंड। तेरे गाल पे हाथ ना रख दूं। रुको 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 यार, रुको रुको, मेरी बात सुनो। हा? इतना नहीं करते मैडम, आइए फटाफट से उद्घाटन का। हमारे पास थप्पड़ मारने का वीजा है। शिल्पा मैम प्लीज आप ना थोड़ा सा चाय चाय गरम। अच्छा बोल लेता है ये चाय चाय। ये हमेशा ऐसा ऐसा बोलना चाहता था, अभी मेरी बारी। और एक बार बोलो चाय चाय गरम। शिल्पा मैम स्टाफ तो बहुत अच्छा रखा है, आप थोड़ा सा एक मुहूर्त कर दें। पर ये क्या चीज का मुहूर्त? ऐसे टांग मारी ये, हमारी दुकान खुल रही है आज। ये गृह प्रवेश मैंने सुना था, चाय प्रवेश पहली बार कर रही। थोड़ा सा चाय बन गई। वाह क्या निशान बना। वाह वाह, ये आप ऐसे पियेंगे दूध डाल दूं? चलो यो के भाई, चलो चलो फटाफट काम हो गया। जी देखो मेरी एक विनती है जी, इस शो पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं जी, हाँ इतने हैंडसम बिजनेसमैन कहाँ कहाँ से फॉरेन से भी आते हैं जी, कितने लोगों का भला किया है आपने हंसा के, एक जरा हमारा यहाँ पे भी थोड़ा सा भला कर दो। हम लड़का ढूंढ रहे हैं गीता के लिए। अरे वाह, चलो जी आज वो अखबारों में इश्तेहार आता ना कि लड़की की क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप सबको तो पता ही है, स्टार है लड़की, हर दूसरे शो में यही जज है। हाँ। खाली न्यूज चैनल छोड़ के बाकी सब चैनल इनके पास है, अच्छा कमाती हैं। कौन कौन है दावेदार जो गीता जी से शादी? मेरी बात भी नहीं पूरी होने दी बेटा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तेरे को पहले एक हफ्ता लगातार बटर चिकन खाना पड़ेगा, थोड़ा पड़ा होना चाहिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। वाह भाई, इसके बाल कोई सेटल करा दो फिर मैं सेटल होती हूँ इससे। आपका क्या नाम है? कमलेश। कमलेश कहाँ से आए आप? सर पाली राजस्थान से। सर पाली? यस सर। क्या करते हो आप कमलेश? सर एमबीए कर रहा हूँ सर। किस चीज में? सर मार्केटिंग में। एमबीए करके फिर क्या करोगे? सर अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी तो जॉब करूंगा सर। अच्छा चलो अभी उनको इंप्रेस करने के लिए कुछ बताओ फिर जो इस वो खुश हो जाए। मैं मैम के लिए रोमांटिक गाना गा सकता हूँ सर। अरे वाह। वो तो सोनू निगम भी गा सकते हैं, वो क्या उनसे शादी कर ले? यार ऐसा है कि उनकी भी भावना फड़कनी चाहिए ना। हाँ। तू तो वन साइडेड वो ताली मार रहा है यार। मुझे मिल गया लड़का। उनकी कौन? देखो वो एस्टैब्लिश्ड भी हैं, अच्छे भी हैं, स्वीट भी हैं, शेर और शायरी भी करते हैं। कौन? ओए होए क्या बात है। ऐसे तकिए उठा रहे अंदर से, कह रहे हैं मजा आ गया। हां मजा आ गया। बस ये बेंचमार्क है। अगर ऐसा हट्टा कट्टा क्यूट नौजवान, हट्टा कट्टा क्यूट चेहरे सारे रोमांटिक स्पोर्ट्समैन भी है, रोमांटिक भी है, पॉलिटिशियन भी है, ऐसा मोहब्बत वाला साइन ना किसी ने दिया नहीं। राख के मरा कान भी जा मंत्री साहब गाल लाल हो रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जी जब आप वो वाली बात छेड़ते हो और वो पिलो फेंकते हैं ना, मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो कौन सी वाली बात है? वो जो आप करते हो और फिर वो पिलो आता वो 1990 में। हाँ हाँ वही वाली। लास्ट चांस है आप सबके लिए, अगर आपको गीता जी को इंप्रेस करना है। कोई नहीं है, कोई नहीं। वाह माइक दे दीजिए। ये राजन ना, ये तो मेरे साथ मेरे घर पे रहता है। हाँ मुझे पता है ये कौन है। आप अब सूट पहनने लग गए हैं। ये आपको देख के पहना है इसने, घर से तो साड़ी में आया था। ओए
राजन गीता जी से शादी कर ले आयल बनी ना आइला ये तूने क्या छेड़ दिया है शेट्टी क्यों शादी करेंगे गीता तुमसे राजन पहले सर के ऊपर नारियल का तेल मल चाल बाहर आएंगे सी ओनली वन पर्सन हु इज ऑन माय साइड आई एम टेलिंग यू क्यों करना चाहते हो शादी और क्या कर सकते हो गीता जी के लिए तो उनके लिए हम गाना भी गा सकेला अच्छा। और उनके लिए खाना भी बना देंगे खाना तो बहुत अच्छा बनाता है और एक्टिंग भी करने आता है आज स्टेज पे आ राजन राजन बड़ी देर होगी तू आया नहीं डिस्टर्ब करने आज स्टेज पे आ राजन के लिए जोरदार तालियां पैर भी छू रहे हो तुम्हें अच्छा ये वो आदमी जो इंप्रेस करके पैर मेरी बात क्या हुआ हेलो हेलो एक मिनट रुक शादी करने आया और पांव छू के जा रहा है मेरा प्रॉब्लम यही है सिद्धू जी वहां से आते आते लोग आई लव यू डार्लिंग आते बराबर यहाँ पे डार्लिंग मम्मा बोल के पैर छू के चले जाते हैं ये प्रॉब्लम है आई तू बड़ी क्यूट लग रही हाय हाय थैंक यू हां लग रही टप्पू हां जी देखो मां आई हुई है हां दादा भी आए हुए हैं हाँ। मैं तो बोलती हूँ लगे हाथ शादी की बात कर लो और शिल्पा मैम मेरी बड़ी बहन बनके जूती चुराई की रस्म भी कर लेगी कुछ भी बोल दे इसके ना लास्ट में चोरी जरूर आता है सारी दुनिया को चोरी सिखा दे तू अरे हम पर तो ये जालिम जमाने ने इल्जाम लगाया ऐसी लाइन बोली मेरा उठने को दिल कर रहा है यहाँ बैठ जाइए और चोरी करके दिल हमारा खुद को नादान बताया इसी बात पे छोटा वाला केला तुझे इनाम में ये लुखाओ बेटा ऐसे ना भूखे पेट ऐसी बातें होती हैं ये लोग क्या शेर सुनाया ये नहीं गीता मैम सीरियसली जब मैंने ये स्टेज पे सुनाया लोगों को लोग सीरियसली पागल हो गए सीरियसली पागल हो गए सीधा बोलना पागल खाने शो करके आइए और क्या मैम आप बताओ जब एक लड़का लड़की की सारी चीजों पे ध्यान रखे लोगों के सामने जानबूझकर उसे तंग भी करे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब लड़का मन ही मन उसे चाहता है लड़का बहुत चाहता है लड़का बाजीगर वाला शाहरुख खान बनना चाहता है किसी बिल्डिंग से ना ऐसे करना चाहता है वो शाहरुख खान तो ऐसे फेंका था ना तुझे तो मैंने ऐसे फेंक दिया वैसे फिलहाल पाजी मैं अपने नेक्स्ट प्ले में लैला बनी हूँ वाह लैला तुझे लग रहा है लैला लग रही है तू थैला लग रही है ऐसे पिंक कलर के थैला आते ना जो गिफ्ट वाली गैलरी में वो लग रही बेटा तू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़